सस्ता और टिकाऊ, एक मिनट में बनेगा और पूरी गर्मी चलेगा। ये है कच्चे आम का शरबत। बस एक गिलास बनाओ, चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती पाओ। ठंडा ठंडा कूल कूल, गर्मियों से दे राहत और पेट को दे आराम। गर्मियों का खास देसी कच्चे आम का शरबत। इसे बनाना भी बहुत आसान है, घर के हर सदस्य को बहुत पसंद आएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं कच्चे आम का शरबत। इसे बनाने के लिए हमने कच्चे आम लिया है। ये मार्केट में मुझे पहली बार दिखा तो मैं इसे लेकर ही आ गई। वजन में 250 ग्राम है। तो पहले इन्हें धुल करके साफ किया और सबसे पहले तो इनके डंठलों को अलग कर लेना है। ये ना बहुत ही खतरनाक चीज है, गलती से भी डंठल का पानी चेहरे पर या हाथों पर पड़ गया तो जेली टाइप से निशान बन जाते हैं और शरबत का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। देखिए मैंने सभी को पहले हटा दिया है और इसके बाद ही छीलना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से छील करके सभी आम को तैयार कर लेंगे। मार्केट में आम की कई वैरायटियां हैं, जो बड़े वाले कच्चे आम रहते हैं उनसे भी शरबत तैयार कर सकते हैं। इन्हें पकाने के लिए आप दो ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कि अभी इन्हें आप काट करके टुकड़े बनाइए और फिर पकाइए, या फिर इनको डायरेक्ट पकने रख दीजिए जैसा कि हमने किया है। कुकर के एक डिब्बे में इन आम को हमने ऐड कर दिया है। आधा कप पानी ऐड कर देंगे या फिर डायरेक्ट कुकर में ही ऐड करके पानी ऐड कीजिए और पकने रख दीजिए। पर मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें तैयार किया है। कुकर में रख करके दो विसल होने तक के पका लेंगे। देखिए आम कुछ इस तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और पल्प ना बहुत आराम से निकल जाता है। गुठलियां भी अलग हो जाती है और पल्प भी अलग हो जाता है। इसकी गुठलियां निकल गई। देखिए ये छोटी वाली कच्ची कैरी थी जिसमें जालियां सॉफ्ट थी। जो बड़े साइज का आम होता है उसमें जाली कड़क हो जाती है, तो इस तरीके से गुठलियां नहीं निकलती हैं। इनको ना हाथ से भी मैश कर सकते हैं जिससे पल्प निकल जाएगा और गुठलियां निकाल करके साइड कर देंगे। देखिए सभी आम का पल्प हमने कुछ इस तरीके से निकाल करके तैयार किया है, गुठलियों को हटा दिया है। चलिए एक बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार करते हैं। मिक्सी के जार में फ्रेश पुदीना के पत्ते धुलकर साफ करके ऐड कर देना है। डेढ़ मुट्ठी पुदीना के पत्ते लिया है। गर्मियों की वजह से अगर पेट में कुछ समस्याएं हैं तो इसका शरबत बना के जरूर पीजिए, बहुत ही आराम देता है। और जो हमने पल्प बनाया था उसे ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसे ढक्कन लगा करके ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने अभी सिर्फ पुदीना और पल्प को ही ग्राइंड किया है। इसमें कुछ पत्ते वगैरह दिख रहे हैं, इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे तब साथ में ही ग्राइंड हो जाएंगे। तो इसमें ना भुना हुआ जीरा पाउडर 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। आधा चम्मच रोस्टेड फिनर पाउडर ऐड करेंगे, ये पाचन का काम करेगा। और साथ ही 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, साथ में थोड़ा सा चटपटा फ्लेवरफुल टेस्ट देगा। 1 चम्मच रेगुलर नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। चलिए गैस पर पैन रखने के बाद इसमें 400 ग्राम शुगर ऐड कर देना है। इसे आप मिश्री से भी तैयार कर सकते हैं, शुगर से भी तैयार कर सकते हैं। 1.5 कप यानी कि 400 ग्राम शुगर थी, 1 कप पानी ऐड किया है। शुगर की जितनी क्वांटिटी हमने लिए थे उससे 1/2 क्वांटिटी से थोड़ा बढ़ा करके पानी ऐड करना है। सभी चीजें ऐड करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया है और इसे मीडियम फ्लेम करके चलाते रहेंगे। शुगर को मेल्ट होने देंगे। देखिए अभी शुगर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था तो ये ना कुछ ही देर में चाशनी जैसा बनकर तैयार है। एक तार की चाशनी तैयार हो चुकी है, पतले एक तार की चाशनी बना लेना है। देखिए अब मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। 4-5 इलायची को तवे पर थोड़ा सा गर्म किया और पीस करके पाउडर बनाकर ऐड किया है। चाशनी में ऐड करने से सारा फ्लेवर ना निकल करके आएगा। वैसे आप मसालों के साथ इसे ग्राइंड कर सकते थे पर मैंने चाशनी में ऐड किया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। जो हमने पल्प मसाला तैयार किया था उसे ऐड कर देना है। मिक्स करने के बाद चेक कर लें कि मोटे मोटे मसाले हैं तो आप उसे छान लीजिए।
जैसा कि मैंने भी इसे छान करके तैयार किया है। साथ ही जार में थोड़ा सा पेस्ट था तो मैंने आधा कप पानी ऐड करके उसे भी छान लिया और इसमें अब थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। इसे कलर बहुत बढ़िया आएगा तो मिक्स कर देना है परफेक्ट तरीके से। गैस की फ्लेम अभी लो ही रखना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ना, लग रहा है ना कच्ची कैरी का शरबत है। परफेक्ट, इसे पका लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही उबाल आया चाशनी में ये फैन टाइप से इकट्ठा होने लगा, इसे हम हटा देंगे। कुछ इस तरीके से चाशनी क्लीन हो जाएगी, है ना, एकदम परफेक्ट। ये अभी ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। चमचे से गिराएंगे ना तो धार बिल्कुल नहीं टूटेगी, एक धार से गिरेगी, अब ये परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे और फिर हम एक नींबू का रस ऐड करेंगे। तो मैंने छोटे साइज का नींबू लिया है, क्वांटिटी ज्यादा है तब आप दो बड़े साइज के नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। ये शरबत कुछ आधा लीटर के जितना बन करके तैयार हुआ है। वैसे तो हम नींबू जब शरबत बनाते हैं तब ऐड करते ही हैं, पर अभी ऐड करने से ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा और एक टेस्ट भी बढ़िया आएगा। फ्रिज के बाहर रख के सारी गर्मी चलाइए, कोई टेंशन नहीं, इतना बढ़िया टेस्टी शरबत बन करके तैयार हुआ है। इसे ना मिक्स कर दीजिएगा, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ना। चमचे से गिराएंगे ना तो ये एक धार से गिरेगी, इसकी धार बिल्कुल नहीं टूटेगी और दूसरा चमचे में ना इसकी बहुत ही बढ़िया कोटिंग आ जाती है। पर ध्यान रहे नींबू ऐड करने के बाद बिल्कुल नहीं पकाना है, है ना, एकदम परफेक्ट कच्ची कैरी का शरबत। ठंडा होने के बाद एक कांच की वाटर में भर कर रखिए और पूरी गर्मी शरबत को एंजॉय कीजिए। एक मिनट में आप 4 से 5 ग्लास बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बॉटल में भर करके रख लेते हैं, जब ये पूरी तरीके से ठंडा होगा तब भी शरबत पीने में मजा आता है। अब एक शरबत वाली ग्लास लीजिए, इसमें थोड़ा सा शरबत ऐड कीजिए, 2-3 बर्फ के क्यूब्स ऐड कर दीजिए, चिल्ड वाटर ऐड कर दीजिए, 1-2 फ्रेश मिंट लीव्स ऐड कर सकते हैं, नींबू की चंक्स ऐड कर सकते हैं, है ना। इसे मिक्स कर दीजिए, घोल दीजिए। रिफ्रेशिंग कच्ची कैरी का शरबत बन करके तैयार है। अभी मार्केट में ताजा ताजा कच्चा आम आ रहा है, फ्रेंड्स इस शरबत को जरूर से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही इंडियंस किचन क्वीन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।